मुंह पे नहीं कहते, मुंह पे नहीं कहते, तो आपके मुंह पे कहा, इनकी तरफ तो बुद्धि पे उसी पे चपेट पड़ेगी आपको, सॉरी बुद्धि पे नहीं। मैं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एज डायरेक्टर, आपने कैसा हुआ? सख्त है? हाँ सख्त है। हाँ राणा भाई मैं क्या सुन रहा हूँ, वो परफेक्शनिस्ट जो होता है ना वो हमेशा सख्त होता है। एक्चुअली वो जब स्क्रीन देखते थे और जैसे इनके दिमाग में होता था आपको बिल्कुल वैसा ही करना, और अगर ये आप नहीं दे पा रहे तो क्या तो करते आप थे? 10 दफा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करना पड़ेगा। तो वही वाली बात है, जो बंदा जिसे अपना अपने काम से प्यार होता है वो थोड़ा सख्त होता है। अम्माएं सख्त तो होती है ना, माँ बाप सख्त तो होते हैं। क्या बात, तो कौन है जो आपकी आताब का ज्यादा शिकार हुआ है? सभी हुए। अच्छा मेरी बारी में तो ज्यादा जैक ज्यादा हुआ था, क्योंकि जैक का इंट्रोडक्शन आप जब करेंगे तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा। वैसे जैक का थोड़ा सा ये था कि समझ जाता था, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम लगता था, तो वो मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर पाता, मैं फॉरेन डिलीवर और काम करना है और चीजें करनी है, तो लाइट जा रही है और प्रॉब्लम, वो वाली चीज। वेलकम टू द शो और वेलकम टू द इंडस्ट्री। आई गेस ये आपका पहला प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, पहला पाकिस्तान बाहर मैंने किया। बिल्कुल ठीक है। सो आपको पहली चोरी पहला ही फाया, पहला ही डायरेक्टर ऐसा मिल गया आपको, तो कैसा लगा आपको? एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, मैं वैसे भी इनका बड़ा फैन था और आपका भी, आप सबने इकट्ठे काम किया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सीखने को इतना ज्यादा मिला। बाहर भी मैंने सीखा लेकिन इधर जितना इनसे सीखने को मिला, नम्रा से, उनसे सबसे, नम्रा से बहुत कुछ सीखा। नम्रा से आपने इतना कुछ सीखा कि आपने कहा कि मेरे साथ ही रहे, मुझे सिखाएं उम्र, इनसे सारी उम्र सीखना चाहता हूं। सारी उम्र सीखना, टीचर घर ही ले गया है ना, वो टीचर ही घर ले गया, मैंने कहा कि आओ चले, मतलब यार पैसा खर्चने अपना खुद ही सीखते रहेंगे जिंदगी भर। इनसे क्या सीख लिया जी आपने? ऑनियन नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, मैं इतने अरसे से काम करो, मैंने कुछ नहीं सीखा इनसे, मुझे तो नहीं सिखाते आप। मैं आपको शो के बाद सिखाऊंगा भाई। ये जो सिखाता है ना वो हम सीखना ही नहीं चाहते। अच्छा, वो हमें पहले से आता है, वो हमें पहले से आप तो प्रोफेसर है इस काम के, आप तो ना बोले देनी, आपने बड़ा अच्छा काम किया। माएं बहनें बैठी हुई हैं, बैठ जाओ। मैंने क्या प्रोफेसर बोला मैंने? सो आपका एक्सपीरियंस वैसे कैसा रहा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम करने का? नहीं, बहुत अच्छा रहा, प्रोफेशनलिज्म, इतनी मेहनत राणा भाई ने की, तो मेरा एक इमेज था ना, लोग कहते हैं कैसे है वैसे, लेकिन इस सेट के ऊपर बाकी मुझे आइडिया नहीं है, बहुत मेहनत सब ने की अपनी तरफ से, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप बहुत लकी हैं कि आपका इनसे वास्ता पड़ा। मैं पर्सनली खुद एक डायरेक्टर एक्टर हूं, तो मेरे लिए तो ऐसा डायरेक्टर जो है वो नेमत है। आई विश कि मैं आपके अंडर काम करूं तो मुझे भी कुछ सीखने को मिले। Exactly. और आपको ऑल द बेस्ट, पूरी टीम को गुड लक गाइस, और उम्मीद करते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी जाए। आप बहुत करीब है मेरे, असल में आप मेरी तरफ देखे मुंह बना के बोले फिल्म हिट जाए। नहीं देखिए, अच्छा आज पहला दिन था, चूंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो आज पहला दिन का क्या रिस्पांस कैसा रहा है आपको? क्योंकि देखिए प्रोमोस को, और मैं एज सिंगर भी, मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया म्यूजिक है, इसके लिए स्पेशली तालियां शानी भाई के लिए। शानी अर्शद साहब का क्या कहने, देखें ये एक ऐसा पैकेज है पाकिस्तान में, जो चंद नाम हम लेते हैं उनमें शानी अर्शद साहब का नाम ऐसे नहीं करते। नहीं मैं भी लेता हूँ, ये बोल रहा हूँ। आप लेते हैं, आप उनमें शामिल नहीं है ना, एडमिट करने की बात है। एडमिट कर रहे हैं, और उनमें शानी अर्शद साहब का नाम सर फहरिस्त है, कि जितनी भी हमारे पास हिट स्वीक है पूरी, उसमें शानी भाई का नाम सर फहरिस्त रहता है। सो बहुत बहुत बढ़िया काम किया शानी भाई ने भी।